गोपालगंज में हूँ, गोपालगंज के शिव दल में, जहाँ पे इस साल जो केदारनाथ मंदिर है उत्तराखंड का देवभूमि का, उसको दिखाया जाएगा, जो आप पीछे देख सकते हैं। अंदर भी चलेंगे और यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं उससे भी बात करेंगे कि क्या कुछ इसके बारे में बताएंगे वो अच्छे से। तो बने रहिए हमारे साथ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हर साल बनता है और हर साल अलग अलग जगह का दृश्य दिखाया जाता है। और इस बार यहाँ पे उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर दर्शाया जा रहा है और ये सप्तमी से दिखने लगेगा और यहाँ पे उसके बाद से काफ़ी अलग नज़ारा होगा। तो बने रहिए और इसके बारे में और जो भी जानकारी होती है हम बताने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ व्यवस्थापक हैं यहाँ के शिव दल के, तो सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। मनीष रंजन उसमें कुछ मेरा नाम हुआ। आपके बारे में बताइए, कब से शिवदल है? तो बगल में जो मंदिर है बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है और पुराना मंदिर है, जिसके प्राचीन शिव मंदिर में पहले पूजा उसी मंदिर के बगल में जमीन था तो होता था। हम लोग जन्म से पहले से पूजा हो रहा है, छोटा बड़ा स्वरूप होते रहा है। जब से हम लोग आए हैं थोड़ा स्वरूप बदला है और बड़ा में स्वरूप में होने लगा है। तो इस बार केदारनाथ मंदिर दर्शाया जा रहा है, इसके बारे में बताइए। हाँ, इस बार यही देव दर्शाया जा रहा है। भक्त अगर जो केदारनाथ नहीं गए हैं वो यहीं से केदारनाथ बाबा का दर्शन कर लेंगे और जानेंगे कि केदारनाथ मंदिर किस तरह का है, कैसे है, उसी का लुक दिया जा रहा है। सेम टू सेम ढांचा यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल, केदारनाथ बाबा का आशीर्वाद रहा तो सेम टू सेम ढांचा बनेगा। इसके बारे में ये बताइए कि कितनी लागत आ रही है? पूजा का पूरा अभी लागत हम लोग का 16 लाख है। लाइट भी है, टेंट भी है, पंडाल है, मूर्ति हम लोग स्वयं बनवा रहे हैं, कारीगर आए हुए हैं बंगाल से, पंडाल का कारीगर आए हुए हैं, मूर्ति का कारीगर है जो मुजफ्फरपुर का है, और लाइट जो है वहाँ चौरसिया लाइट है। मेला के टाइम में काफ़ी जाम भी हो जाता है, उसके लिए क्या व्यवस्था है उसके बारे में? मेला के टाइम के लिए प्रशासन से हम लोग बात कर रहे हैं, इस बैरिकेडिंग को 2-4 प्रशासन हटवा दे फिर मेला बाद लगवा लेगा। प्रशासन हम लोग बात देखिए कहाँ तक मानते हैं, जिससे और साथ में हमारे जो वॉलेंटियर हैं शिव दल के वो हरदम तत्पर रहते हैं, मेला में कोई छेड़खानी ना हो, भक्त ऊपर कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए हम लोग हरदम तत्पर रहते हैं। और खास बात यह है कि पूजा जो होता है इसमें हिंदू और मुसलमान का भी एक साथ मिला रहता है, ये हर जाति से मुस्लिम है धर्म से इनका काफ़ी सहयोग रहता है, ये हमारे विवेक जी हैं इनका काफ़ी सहयोग रहता है। इस जो क्या कहते सारे लोग बिल्कुल बिल्कुल सारे लोग किसी एक के सामने तो एक ही खड़ा होता होगा, मगर सब लोग सबके सहयोग से और सब दिल से सहयोग करते हैं, भी नहीं कि जबरदस्ती कोई करता है, सब कोई दिल से सहयोग करता है। चलिए मैं अंदर भी दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। देख सकते हैं जो मूर्ति है उसको अभी बनाने का काम चल रहा है और यहाँ पे कारीगर भी है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कारीगर की गोपाल जी, क्या नाम पड़ेगा? गोपाल जी। कहाँ से आए हैं? कलकत्ता। कितने सालों से बना रहे हैं आप यहाँ पे? 4 सालों। 4 साल मतलब इस बार क्या कौन सा दर्शाया जा रहा है? केदारनाथ दर्शाया? हाँ, केदारनाथ वो दिखेगा। कितनी लागत आ रही है? पैसा कितना लग रहा है यहाँ पे? अभी तक मान लीजिए 4 लाख खर्चा हो गया। चलिए आपको सप्तमी से यहाँ पे दिखेगा जो पंडाल का स्वरूप है उत्तराखंड दिखेगा। जो लोग उत्तराखंड नहीं गए हैं, केदारनाथ नहीं घूमे हैं, वो यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं केदारनाथ का। और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे देखिए, सजावट चल रहा है और काफ़ी काम है जो जोरों शोरों से चल रहा है। और इस बार भव्य है उत्तराखंड का जो केदारनाथ मंदिर है वो दिखेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं, और कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके बताइए।